अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है सक्सेसफुल ग्रेजुएट यूट्यूब चैनल पर। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको ये रेड कलर का बटन नज़र आ रहा है सब्सक्राइब का, इसको प्रेस करें, बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि आपको सक्सेसफुल ग्रेजुएट से हर नई आने वाली एजुकेशन की अपडेट सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो के अंदर आपके साथ बात करूंगा जो 45% से कम मार्क्स आती है, यानी कि अगर आपके FAFSC में थर्ड डिवीजन आ जाती है 45% से, आप लोगों को रेगुलर एडमिशन तो नहीं यूनिवर्सिटीज देती लेकिन आप प्राइवेट आगे स्टडी कर सकते हो, BA, BSc, MA, MSc आप कर सकते हो थर्ड डिवीजन के साथ भी। लेकिन उसके नुकसान ये हैं कि आप लोगों के आगे जाके जब जॉब्स अनाउंस होती हैं तो वो क्लियरली मेंशन करते हैं कि जी आपकी थर्ड डिवीजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, या फिर इतना ज़्यादा मेरिट ऊपर जा चुका है कि आप लोगों के थर्ड डिवीजन के जो मार्क्स हैं वो मेरिट में आ ही नहीं पाते, आप लोग हर जगह से रिजेक्ट कर दिए जाते हो, ठीक है। तो इसलिए बेहतर है कि अगली लाइफ में आगे जाके ज़िंदगी में परेशान होने से बेहतर है कि इंसान इस वक्त जो मार्क्स कम आए हैं उसको इम्प्रूव करके एटलीस्ट 60% तो करने चाहिए, ठीक है। जितने भी FAFSC वाले स्टूडेंट ये देख रहे हैं, ICS वाले यानी कि 11वीं 12वीं क्लास वाले, प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने मार्क्स को अच्छे से अच्छा करें, क्योंकि अगली लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा ऊपर जो मेरिट है ना वो आपका होगा तो आपकी सिलेक्शन होगी, कहीं पे जॉब होगी, ठीक है। तो वरना आपको एडमिशन तो यूनिवर्सिटियों ने भी नहीं देना और ना ही फिर आप लोगों को जो वो अगली लाइफ में जाकर जॉब मिलनी है, लेकिन आप प्राइवेट स्टडी कर सकते हो, आप BA, BSc, ADP प्राइवेट जो वो दाखिला ले सकते हो अगर आपके मार्क्स 45% से कम है, ठीक है। आगे अगर BA, BSc में 45% से कम है, आप MA, MSc प्राइवेट तो कर सकते हो लेकिन रेगुलर नहीं कर सकते, क्योंकि यूनिवर्सिटियों ने क्लियरली मेंशन किया होता है कि एटलीस्ट सेकंड डिवीजन, ठीक है, 45% से मार्क्स से ऊपर मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। तो काइंडली इन चीज़ों का ख्याल लाजमी करिएगा अपनी लाइफ में, ये ना हो कि बाद में आपको जाके पछताना पड़े। ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए मेरी वीडियो है, ठीक है, पाकिस्तान के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए ये मेरी वीडियो है और मेरी नसीहत है कि काइंडली मेहनत कर लीजिएगा, मार्क्स इंप्रूव कर लीजिएगा, अभी एक साल लगाना वो बेहतर है ना कि अगली पूरी लाइफ इंसान जो वो पछताए, ठीक है। तो काइंडली इन चीज़ों के ऊपर अच्छे से सोचिएगा, ठीक है। थर्ड डिवीजन के साथ आप डिग्रीज तो कर सकते हो, डिग्रियाँ मिल जाएंगी आप लोगों को, ठीक है, लेकिन आगे जाके आपको जॉब वगैरह नहीं मिलेगी, फिर आप लोग पछताओगे कि काश मैं वो एक साल इंप्रूव करके मार्क्स अच्छे कर लेता तो बेहतर था, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।